नमस्कार, आज हम भिवंडी में आए हैं ऑलिव ई व्हीकल के शोरूम में। ये हमारे फ्रेंड हैं और उन्होंने कुछ नया प्लान किया है, तो आइए दिखाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. जो कि ग्रीन थीम को डिजाइन करके बनाया गया है। यहाँ जो आप देख सकते हैं ग्रीनरीज दिख रही है, थोड़ी बहुत दिखाने की कोशिश की गई है, गार्डन बनाए गए हैं पीछे। तो यहाँ पे फर्स्ट मुझे लगता है मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक शोरूम बना है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं जो एक ही ब्रांड बेचते हैं, बहुत सारे शोरूम्स। बट जयेश भाई हैं जिनको 15 साल का ये फील्ड का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, और उन्होंने कुछ 2-3 साल पहले टोटली स्विच कर दिया है। उन्होंने पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल सब छोड़ के इलेक्ट्रिक में आ गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक है। और जयेश भाई ने टोटली इलेक्ट्रिक में खारघर में पहले अपना शोरूम स्टार्ट किया, और उसके बाद अभी ये भिवंडी में, क्योंकि भिवंडी में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे लोगों को इसकी बहुत सख्त जरूरत है, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया ऑलिव ई व्हीकल। तो ऑलिव ई व्हीकल में अभी फिलहाल उन्होंने तुनवाल का, एलिगो का, तिरंगा और डेक्सप्रेस चार ब्रांड से स्टार्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि तुनवाल की व्हीकल्स हैं, तुनवाल स्ट्रॉन्ग, रोमा, लिथिनो, फिर एलिगो मोटर्स की व्हीकल्स हैं यहाँ पे, फिर ये तिरंगा है, थोड़ा सा अच्छा है, यूनिक लगा ये भी। तो इसमें सब में लिथियम और लेड दोनों में ऑप्शंस रखे हुए हैं, क्योंकि कई लोग आज भी लेड प्रिफर करते हैं, बट लिथियम जो है वो फ्यूचर है। गार्डन्स बनाए गए हैं पूरे, देख सकते हैं इनका चेयर्स क्रिस्टल स्टाइल, मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो जयेश भाई, कैसे हो सर? हाँ, तो भाई ये यंग डायनामिक, हाँ, इतने कम एज में इतना कुछ सोचते हैं। तो बस इन्होंने देखिए झूले जैसा मुझे टेबल लगा, मैं बोला यार तो आराम करने लायक बहुत अच्छा है। हाँ देख से, तो जयेश भाई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैसे आ गए? पॉल्यूशन को देखते हुए सोचा कुछ अच्छा है, पेट्रोल के भाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यस, कॉस्टिंग को देखते हुए डे टू डे वर्क है, और मैंने ये सोचा मेरे को इतनी तकलीफ है तो लोगों को तो बहुत होती है। हाँ। वो हिसाब से इन्होंने कस्टमर के, खुद कस्टमर है, इन्होंने सोचा कि मेरा पेट्रोल में कितना पैसा वेस्ट हो रहा है। मैं एज अ कस्टमर ही स्टार्ट किया था, मैंने परचेस किया 6 महीना, उसके बाद मैं समझ आया। और भिवंडी में जहाँ की फैक्ट्रीज ही फैक्ट्री है, टोटल पॉल्यूशन है, पूरा लूम लाइन है, हर जगह देखो सब खड़ी भरी हुई है। ये थोड़ा अच्छा स्टार्ट रहेगा भिवंडी के लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा स्टार्टअप आपका, बहुत अच्छा लगा देख के। स्टॉक भी आपके पास कई ब्रांड्स के हैं, बहुत अच्छा है। और कैसा आपको, क्या लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, जैसे अभी स्टार्ट ही हुआ आपको पता ही। हाँ। बट काफी सुबह से शाम तक इंक्वायरीज काफी है, इंटरेस्टेड भी है लोग, अभी थोड़ा टाइम लगता है अडॉप्ट करने को नया चीज। अभी कैसा है BS6 का जो ये कॉस्ट वगैरह हो गया है, इससे बहुत लोगों को भी शिफ्ट हो रहे हैं, कॉस्टिंग बढ़ गया है, प्लस पेट्रोल बढ़ गया है, गाड़ियाँ राजस्थान में 100 रुपया हो गए। हाँ आपने बताया 101 रुपया राजस्थान में हो गया है, शॉकिंग है अभी हमारे लिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि 2021-22 जो है वो इलेक्ट्रिक का व्हीकल्स का युग है, फ्यूचर यही है सर, क्योंकि अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी आ गया है जो 15 साल के बाद आपके कॉमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल 20 साल के बाद उसको स्क्रैप कर सकते हैं, और शायद ऑप्शन है कि उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके चला सकते हैं, वो ऑप्शंस रहेगा, वो ऑप्शंस भी आने वाला टाइम जब जब जितना इलेक्ट्रिक स्विच होएगा ना, उतना अपने लिए अच्छा है, आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे कंपनीज जो हैं, लोग स्कूटर्स वगैरह कुछ छोटे मोटे बना रहे हैं सब कुछ, तो उनको जो सर्विस का इश्यूज आता है, तो आप उनको सर्विस भी प्रोवाइड करते जो अदर ब्रांड है उनको? हमारा मोटो ये है, सेल कम सर्विस ज्यादा। ओके,
कोई भी कंपनी हो आप उसको सर्विस करते हैं? कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिक की जो भी होगी हम उसका सर्विसिंग करते हैं। तो जयेश भाई हैं जो कि सेल्स के साथ साथ सर्विस में ज्यादा ध्यान देते हैं, और ये कोई भी कंपनीज के आपके मुंबई के आसपास इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो, बाइक्स हो, उसका कुछ भी लगे तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा। प्लीज लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछिए मुझे, क्योंकि मैं बहुत दिन तक एज ए पैरामेडिकल प्रोफेशन में होने के कारण मैं बहुत बिजी था COVID-19 की ड्यूटी में, इसके लिए मैं वीडियोस नहीं बना सका। तो अभी आज से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ जयेश भाई के साथ, क्योंकि अभी ये टाइम है हमको प्रमोट करने का, और ये सही वक्त है जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लोगों को ज़रूरत है। पेट्रोल का भाव 100 रुपये क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी। स्कूटीज पहले जो 50,000 में आते थे, अभी वो 95,000 से स्टार्टिंग है पेट्रोल वाली। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, और भिवंडी जैसा इंडस्ट्रियल एरिया में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।